आप देख रहे हैं वीर न्यूज गुजरात 24, हर खबरें आप तक। बैरिया प्रखंड के उत्तरी पटजीरुआ पंचायत के अंतर्गत पटजीरुआ धाम और पिपरा धाम से जल भर कर पटजीरुआ शिवालय में अर्पित किए। वहीं कई जगहों से लोग आकर जल, फूल, भांग धतूरा, बेलपात्र, मिठाई पटजीरुआ शिवालय में अर्पित किए। आए यहां के आर्य संजय ओझा से बात करते हैं। कोरोना के महामारी के बावजूद भी यहाँ के लोग में वो तरीके के आस्था और विश्वास बा कि अपना जान के परवाह ना करके भी सारा श्रद्धालु लोग ये सिद्धपीठ स्थान पर पहुँचल बा। बगल में हम देखावे के चाहे शंकर जी के मंदिर, ये शंकर जी के मंदिर में नारायणी के जल से ठीक नहीं है कि कितना लोग वो शंकर जी के आज स्नान करौले बा। स्त्री पुरुष बाल बच्चा रुआ देखत हमारी भीड़ इतना, इस सारा भीड़ सिद्धपीठ पटजीरुआ स्थान पर के है। बड़ा सौभाग्य के बात बा कि हमनी के एक कोरोना काल से विजय प्राप्त करे खातिर जो उन्हें वैक्सीन आई बा, वो वैक्सीन के लेके सारा लोग यहाँ खड़ा बा। आ सरकार के तरफ से ये सुविधा हमनी के मिल रहा बा कि बड़ बुजुर्ग केहू भी बाकी ना रहे। इतने ना ही हम रुआ के एगो चीज़ और ही बतावे के चाहते हैं, रुआ गांव में परिवार में यदि कोई छूट भी गई बा तो ओकरा के टीका जरूर लगवा। आई ये पटजीरुआ स्थान के प्रांगण में हम कैमरा मैन के कहे कि रुआ चारों ओर से अपना कैमरा में कैद करी जो नईखे पहुँचल यहाँ ओहू लोग के भी दर्शन हो जाए। साथ में हम देखावे के चाहे कि दूर से आई हमारा थाना स्टाफ, यहाँ के भावना हम देखनी है तो ऐसा लागल हो कि साक्षात माई के दर्शन करे खातिर यहाँ का बहुत पहले से जगह रहा। इस चैनल के माध्यम से पटजीरुआ स्थान के भी दर्शन रुपया करे के मौका मिल रहा है। एक खातिर हम ये चैनल के धन्यवाद देव कि ये चैनल के जितना भी बंधु लोग बिहार में ना ही, चंपारण में ना ही, देश के हर कोना में एक जगह के नाम पहुँचाव लो ताकि जितना भी भक्त श्रद्धालु बढ़े ये सिद्धपीठ पटजीरुआ स्थान पर आके अपन दर्शन करब। आई सिद्धपीठ पटजीरुआ माई के बगल में हम रुआ के देखावे जा रहा बनी संकट मोचन पवन पुत्र जरा के बजरंग बली के नाम से जानल जाला। वह बजरंग बली के दर्शन करे खातिर इतना श्रद्धालु लोग आई बा, देखी कितना श्रद्धा से हनुमान जी के दर्शन करके आई सावन के पहला सोमारी भीड़ का पूछता नहीं। कोरोना के बावजूद भी सारा लोग ये इच्छा से यहाँ भीड़ लगैले बाकी कब हमारा दर्शन। बगल में हम रुआ से देखाए कि नदी नारायणी से जल भर के आ सिद्धपीठ पटजीरुआ स्थान के उत्तर बगल शंकर जी के जौन मंदिर बा वही में सारा लोग जल चढ़ा रहा बा। आई शंकर जी के मंदिर से रुआ के रूबरू हम करावे के चाहतनी आ देखी रुआ शंकर जी के मंदिर में कितना भक्त लोग जल लेके जा रहा बा। आस्था के अटूट विश्वास के साथ ये भी ये स्थान पर आवेला मनवांछित फल पावेला तो कम से कम जे भी भक्त ये सोमारी के नहीं पहुँचल हम चाहे कि आवे वाला सोमारी के रुआ लोग सब परिवार कम से कम एक बेर यहाँ आई। कुछ दूर से हमारे भक्त लोग आई बात देखा तो सामने खड़ा बा, हम पूछे कि कहा था निकलवा के घर कहाँ पर यहाँ कहाँ आई बनी अच्छा तो यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। कौन दिक्कत रुआ महसूस होता है? कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा भी ठीक बा, साधन भी ठीक बा, शांति भी चल रहा बा। ऐसे हम बहुत मने और भाग के बात बनी माता के दर्शन हम। अच्छा तो रुआ लोग हम एगो विश्वास करे के चाहत नहीं कि अब की तरह हुआ आइल बनी का अगला सोमारी का पूरा परिवार लेके आ सकत है? एकदम एकदम एकदम, हां हम पूरा परिवार के साथ, अभी हमनी का पूरा परिवार के साथ आइल बनी सर। अरे गांव समाज में औरो तो परिवार होई एकदम एकदम, जाए सर प्रभाव डाले सर। और
देखी सावन के पहला सोमारी के जौन भी भीड़ लागल चमैनिया बाजार और नाम का पड़ी दिनेश पासवान जी से हमारा बात की भाई अपन नाम का पड़ी राजेंद्र पासवान। वाह वाह वाह, आज इस चैनल के माध्यम से रउआ लोग हम बताए कि धर्म अभी भी जीवित है, धर्म यदि ना रही तो दुनिया चले वाला नहीं के। कोरोना काल के समय में तीसरा लहर चल रहा बा, लेकिन सब कोई अपन सुरक्षा करके अपना बच्चा के सुरक्षा करके ये स्थान पर माई से महारानी की, धर्म की, सनातन धर्म की।